चैनल मीरा गुप्ता इंडियन रेसिपीज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम सूजी बादाम की मलाईदार बर्फी बनाएंगे। ताजी मलाई से सूजी की बर्फी बनाएंगे। यह खाने में बहुत मुलायम और स्वादिष्ट होती है। इसका बनाना भी आसान है। इसकी सामग्री इस प्रकार है। दूध 2 कप, ताजी मलाई 1 कप, सूजी 1/2 कप, चीनी 1/4 कप, नारियल बुरादा 1/4 कप, बादाम पिसे 2 टेबल स्पून, इलायची पाउडर 1/4 टीस्पून, बादाम फ्लेक्स 1 टेबल स्पून, पिस्ता 1 टीस्पून। अब दूध को उबालने के लिए रखेंगे। दूध को उबालने के लिए रख दिया है। जब तक दूध में उबाल आएगा तब तक हम सूजी भून लेंगे। कढ़ाई में सूजी डालेंगे और गैस कम पर ही रोस्ट करेंगे। सूजी को 3-4 मिनट भूनेंगे रंग चेंज होने तक। रंग चेंज हो चुका है, अब इसे प्लेट में निकाल लेंगे। दूध में उबाल आ चुका है, इसमें चीनी डाल देंगे और इसको चला देंगे और कम गैस पर इसे पकने देंगे। अब मलाई को कढ़ाई में डालेंगे। इसको चलाते हुए पकाएंगे। घी छूटने तक मलाई को पकाएंगे। इस तरह से चारों ओर से छुटाते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे। इसे गैस कम पे पकाना है जिससे नीचे जले नहीं। अब इसका घी छूटने लगा है, 1-2 मिनट और पकाएंगे। इसको पकने में 4-5 मिनट का टाइम लग जाता है। घी छूटने लगा है, गैस को बंद कर देंगे। अब इसे छान के घी और खोए को अलग कर लेंगे। 10 मिनट पकने के बाद दूध आधा रह गया है, अब गैस बंद कर देंगे। अब इस खोए को अलग रखेंगे और इस घी को फिर वापस कढ़ाई में डालेंगे। अब इसमें भूंजी सूजी डाल देंगे, नारियल का बुरादा डालेंगे, बादाम पिसे डालेंगे, इसे भूज लेंगे। इस तरह से घी निकालकर बनाने से बर्फी में अच्छी खुशबू आएगी। इसको बिल्कुल हल्का सा भूनना है। इसमें इलायची पाउडर डाल देंगे। इलायची पाउडर के बाद में इसमें खोआ भी डाल देंगे। इसको मिक्स कर देंगे। अब इसमें पका हुआ दूध डालेंगे, इसको पकाएंगे। जब नेकी कंडीशन तक इसे चलाते रहेंगे। गैस कम रखेंगे जिससे ये जले नहीं। अब ये कढ़ाई छोड़ने लगा है। जब ये इस तरह से गाढ़ा हो जाए बाकी बचे घी को भी इसमें डाल देंगे और इसको 1 मिनट और पकाएंगे। अब इस तरह से जमने की कंडीशन में हो चुका है, अब इसे गैस बंद करके जमाएंगे। इसे घी लगी ट्रे में डालेंगे। अब इस तरह से इसे फैला देंगे। इस तरह फैलाने के बाद इसमें पिस्ता से गार्निश कर देंगे। बादाम फ्लेक्स डालेंगे। अब इसे इस तरह से दबा देंगे तो ये सेट हो जाए। ठंडी होने के बाद बर्फी के पीस काटेंगे। बर्फी जम चुकी है, इस तरह से देख लेंगे।
अब इसे काटेंगे। इधर से भी काट लेंगे। काटने के बाद इन्हें इस तरह से निकाल लेंगे। स्वादिष्ट सूजी बादाम की मलाईदार बर्फी बनकर तैयार है। इसे बनाकर अवश्य देखें। यह खाने में बहुत ही मुलायम और स्वादिष्ट लगेगी। आशा है आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई होगी। इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो के बेल आइकॉन को ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। हमारी इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस एंड स्क्रीन में हमारे चैनल के तमाम वीडियोस की प्लेलिस्ट दिखाई गई है। इन वीडियोस को देखकर रेसिपीज़ बनाने का लाभ उठाएं और अपना अनुभव हमारे चैनल के साथ शेयर करें।